Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल्ली के रहने से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टू से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज की मैं आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अबान जो है वो अपने पेरेंट्स के रवैये को देख के उनसे बहुत दूर चला गया है, यानी जो अबान का हिडन टैलेंट था उसको उसके वालिद जो है वो अवेयर नहीं कर सके। इसी वजह से वो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में आ गया है, जिसके बाद अबान के जिस केस में वो अंदर गया था, ये उमर के वालिद यही फैसला करेंगे, उसको माफ़ीनामा दे देंगे, जिसके बाद उमर की वालदा यही कहेंगी आप तो उसको माफ़ कर सकते लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, यानी अबान को रिलैक्समेंट दे दी जाएगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान जो है अपने भाई के लिए पूरा स्टैंड लेगा और यही कहेगा अपने वालिद से, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, घर का इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ गया था, इतना लोड आ गया था, इसी वजह से सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन पैदा हुई है। ये बात सुन के अजान के उसके वालिद यही कहेंगे कि ये सब के जिम्मेदार तुम मुझे ठहरा रहे हो, और बेचारी अबान की वालदा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही हैं अपने बेटे की इस हालत को देख के। वो यही कहती हैं कि मैंने तो अपने बेटे को भी खो दिया और उसके टैलेंट को भी खो दिया है, यानी अबान जो है बहुत अच्छी कैलीग्राफी पेंटिंग करता है और अपने ख्याल का इजहार उसी में ही करता है। पुलिस वाले सब कुछ देखते हैं तो यही कहते हैं बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको अवेयर नहीं किया और डेवलपमेंट इसकी नहीं सही तरीके से हुई, इसी वजह से आज इस हालत में, कंडीशन में आ गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान अपने भाई अबान से मिलेगा, उसको समझाएगा, उसको अपने वापस घर लाने की तरफ कोशिश करेगा, जिसके बाद अबान जो है वो बहुत अच्छे रस्ते पे है, ये नमाज वगैरह पढ़ रहा है और अपने टैलेंट को जो अपने अच्छे तरीके से इजहार कर रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़रीन पिंजरा इसी हवाले से बनाया गया है कि आजकल सोसाइटी में बच्चों के पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स है वो बच्चों के हिडन टैलेंट को नहीं देखते और इसी वजह से बच्चे जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने टैलेंट का इजहार कर पाते हैं और प्रेशर में आके बस वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, जबकि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको अवेयर होना चाहिए पेरेंट्स को और उसकी वजह से उस बच्चे का टैलेंट जो है आगे लेके जाना चाहिए। ये ड्रामा नाज़रीन पिंजरा आजकल की सोसाइटी से रिलेट बहुत कर रहा है। आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन क्या लगता है, क्या अबान अजान की बात मान के घर पे वापस आ जाएगा अपनी वालदा की हालत को देखते हुए, या फिर वो यही फैसला, यही डिसीजन करेगा कि नहीं वो यहीं पर रहेगा, उनसे दूर रहेगा? आपने अपनी कीमत रहेगा इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको ड्रामा से पिंजरा नाज़रीन कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल्ली के रहने से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टू से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज की मैं आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अबान जो है वो अपने पेरेंट्स के रवैये को देख के उनसे बहुत दूर चला गया है, यानी जो अबान का हिडन टैलेंट था उसको उसके वालिद जो है वो अवेयर नहीं कर सके, इसी वजह से वो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में आ गया है। जिसके बाद अबान के जिस केस में वो अंदर गया था, ये उमर के वालिद यही फैसला करेंगे, उसको माफ़ीनामा दे देंगे, जिसके बाद उमर की वालदा यही कहेंगी आप तो उसको माफ़ कर सकते लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, यानी अबान को रिलैक्समेंट दे दी जाएगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान जो है अपने भाई के लिए पूरा स्टैंड लेगा और यही कहेगा अपने वालिद से, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, घर का इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ गया था, इतना लोड आ गया था, इसी वजह से सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन पैदा हुई है। ये बात सुन के अजान के उसके वालिद यही कहेंगे कि ये सब के जिम्मेदार तुम मुझे ठहरा रहे हो, और बेचारी अबान की वालदा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही हैं अपने बेटे की इस हालत को देख के। वो यही कहती हैं कि मैंने तो अपने बेटे को भी खो दिया और उसके टैलेंट को भी खो दिया है, यानी अबान जो है बहुत अच्छी कैलीग्राफी पेंटिंग करता है और अपने ख्याल का इजहार उसी में ही करता है। पुलिस वाले सब कुछ देखते हैं तो यही कहते हैं बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको अवेयर नहीं किया और डेवलपमेंट इसकी नहीं सही तरीके से हुई, इसी वजह से आज इस हालत में, कंडीशन में आ गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान अपने भाई अबान से मिलेगा, उसको समझाएगा, उसको अपने वापस घर लाने की तरफ कोशिश करेगा, जिसके बाद अबान जो है वो बहुत अच्छे रस्ते पे है, ये नमाज वगैरह पढ़ रहा है और अपने
टैलेंट को जो अपने अच्छे तरीके से इजहार कर रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा इसी हवाले से बनाया गया है कि आजकल सोसाइटी में बच्चों के पेरेंट्स यानी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के हिडन टैलेंट को नहीं देखते और इसी वजह से बच्चे जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने टैलेंट का इजहार कर पाते हैं और प्रेशर में आके बस वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं। जबकि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको अवेयर होना चाहिए पेरेंट्स को और उसकी वजह से इस बच्चे का टैलेंट जो है आगे लेके जाना चाहिए। ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा आजकल की सोसाइटी से रिलेट बहुत कर रहा है। आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़िम क्या लगता है, क्या बाद अजान की बात मान के घर पे वापस आ जाएगा अपनी वालदा की हालत को देखते हुए, या फिर वो यही फैसला यही डिसीजन करेगा कि नहीं वो यहीं पर रहेगा उनसे दूर रहेगा। आपने अपनी कीमत रहेगा इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको ड्रामा से पिंजरा नाज़िम कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़िम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टू से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज की तो मैं आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़िम फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अबान जो है वो अपने पेरेंट्स के रवैये को देख के उनसे बहुत दूर चला गया है। यानी जो अबान का हिडन टैलेंट था उसको उसके वालिद जो है वो अवेयर नहीं कर सके, इसी वजह से वो इस सिचुएशन इस कंडीशन में आ गया है। जिसके बाद अबान के जिस केस में वो अंदर गया था, उमर के वालिद यही फैसला करेंगे, उसको माफ़ीनामा दे देंगे। जिसके बाद उमर की वालदा यही कहेंगी आप तो उसको माफ़ कर सकते लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। यानी अबान को रिलैक्समेंट दे दी जाएगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान जो है अपने भाई के लिए पूरा स्टैंड लेगा और यही कहेगा अपने वालिद से ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, घर का इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ गया था, इतना लोड आ गया था, इसी वजह से सारी कंडीशन सारी सिचुएशन पैदा हुई है। ये बात सुन के अजान के उसके वालिद यही कहेंगे कि ये सब के जिम्मेदार तो मुझे ठहरा रहे हो और बेचारी अबान की वालदा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही हैं अपने बेटे की इस हालत को देख के। वो यही कहती हैं कि मैंने तो अपने बेटे को भी खो दिया और उसके टैलेंट को भी खो दिया है। यानी अबान जो है बहुत अच्छी कैलीग्राफी पेंटिंग करता है और अपने ख्याल का इजहार उसी में ही करता है। पुलिस वाले सब कुछ देखते हैं तो यही कहते हैं बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको अवेयर नहीं किया और डेवलपमेंट इसकी नहीं सही तरीके से हुई, इसी वजह से आज इस हालत में कंडीशन में आ गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अजान अपने भाई अबान से मिलेगा, उसको समझाएगा, उसको अपने वापस घर लाने की तरफ कोशिश करेगा। जिसके बाद अबान जो है वो बहुत अच्छे रस्ते पे है, ये नमाज वगैरह पढ़ रहा है और अपने टैलेंट को जो अपने अच्छे तरीके से इजहार कर रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा इसी हवाले से बनाया गया है कि आजकल सोसाइटी में बच्चों के पेरेंट्स यानी जो पेरेंट्स जो है वो बच्चों के हिडन टैलेंट को नहीं देखते और इसी वजह से बच्चे जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने टैलेंट का इजहार कर पाते हैं और प्रेशर में आके बस वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं। जबकि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको अवेयर होना चाहिए पेरेंट्स को और उसकी वजह से इस बच्चे का टैलेंट जो है आगे लेके जाना चाहिए। ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा आजकल की सोसाइटी से रिलेट बहुत कर रहा है। आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़िम क्या लगता है, क्या बाद अजान की बात मान के घर पे वापस आ जाएगा अपनी वालदा की हालत को देखते हुए, या फिर वो यही फैसला यही डिसीजन करेगा कि नहीं वो यहीं पर रहेगा उनसे दूर रहेगा। आपने अपनी कीमत रहेगा इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको ड्रामा से पिंजरा नाज़िम कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़िम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टू से भरपूर और कमाल की होने वाली है।
आज वीडियो में आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़िम फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अबान जो है वो अपने पेरेंट्स के रवैये को देख के उनसे बहुत दूर चला गया है, यानी जो अबान का हिडन टैलेंट था उसको उसके वालिद जो है वो अवेयर नहीं कर सके। इसी वजह से वो इस सिचुएशन इस कंडीशन में आ गया है, जिसके बाद अबान के जिस केस में वो अंदर गया था या उमर के वालिद यही फैसला करेंगे, उसको माफ़ीनामा दे देंगे, जिसके बाद उमर की वालदा यही कहेंगी आप तो उसको माफ़ कर सकते लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, यानी अबान को रिलैक्समेंट दे दी जाएगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अज़ान जो है अपने भाई के लिए पूरा पूरा स्टैंड लेगा और यही कहेगा अपने वालिद से ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, घर का इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ गया था, इतना लोड आ गया था, इसी वजह से सारी कंडीशन सारी सिचुएशन पैदा हुई है। ये बात सुन के अज़ान के उसके वालिद यही कहेंगे कि ये सब के जिम्मेदार तो मुझे ठहरा रहे हो और बेचारी अबान की वालदा तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही हैं अपने बेटे की इस हालत को देख के। वो यही कहती हैं कि मैंने तो अपने बेटे को भी खो दिया और उसके टैलेंट को भी खो दिया है, यानी अबान जो है बहुत अच्छी कैलीग्राफी पेंटिंग करता है और अपने ख्याल का इजहार उसी में ही करता है। पुलिस वाले सब कुछ देखते हैं तो यही कहते हैं बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको अवेयर नहीं किया और डेवलपमेंट इसकी नहीं सही तरीके से हुई, इसी वजह से आज इस हालत में कंडीशन में आ गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अज़ान अपने भाई अबान से मिलेगा, उसको समझाएगा, उसको अपने वापस घर लाने की तरफ कोशिश करेगा, जिसके बाद अबान जो है वो बहुत अच्छे रस्ते पे है, ये नमाज वगैरह पढ़ रहा है और अपने टैलेंट को जो अपने अच्छे तरीके से इजहार कर रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा इसी हवाले से बनाया गया है कि आजकल सोसाइटी में बच्चों के पेरेंट्स यानी जो पेरेंट्स जो है वो बच्चों के हिडन टैलेंट को नहीं देखते और इसी वजह से बच्चे जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने टैलेंट का इजहार कर पाते हैं और प्रेशर में आके बस वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, जबकि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको अवेयर होना चाहिए पेरेंट्स को और उसकी वजह से उस बच्चे का टैलेंट जो है आगे लेके जाना चाहिए। ये ड्रामा नाज़िम पिंजरा आजकल की सोसाइटी से रिलेट बहुत कर रहा है। आपको ड्रामा से पिंजरा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़िम क्या लगता है, क्या अबान अज़ान की बात मान के घर पे वापस आ जाएगा अपनी वालदा की हालत को देखते हुए, या फिर वो यही फैसला यही डिसीजन करेगा कि नहीं वो यहीं पर रहेगा उनसे दूर रहेगा। आपने अपनी कीमत रहेगा इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ड्रामा से पिंजरा नाज़िम कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।